अगर आप लोग YouTube पर स्ट्रीम करते हो लेकिन आप लोगों के स्ट्रीम पर ऑडियंस नहीं आ रहे, और अगर ऑडियंस आ भी रहे तो बहुत ही कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपके स्ट्रीम पर, रीज़न क्या है? आप उन लोगों को वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हो, और अभी जो है ऑडियंस को क्वालिटी चाहिए। अगर आप उनको जो है वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हो जो कि ऑडियंस को चाहिए, तो वो लोग जो है किसी और स्ट्रीमर को देखेंगे, आपका स्ट्रीम भाई वो लोग नहीं देखेंगे। उन लोगों को भाई अभी क्वालिटी चाहिए। आप उन लोगों को क्यों नहीं क्वालिटी दे पा रहे हो गाइस? क्योंकि आपके स्ट्रीम पर जो है लैग हो रहा है, या फिर गाइस आप लोगों के स्ट्रीम पर जो है ये पिक्सलेशन भी हो सकता है, मतलब पिक्सलेशन भी हो रहा है शायद से आपके स्ट्रीम पर। अगर इन दो प्रॉब्लम्स में से कोई भी प्रॉब्लम जो है आप अभी फेस कर रहे हो, तो गाइस इस वीडियो को जो है एकदम लास्ट तक देखते रहना। मैं इस वीडियो में जो है इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे जो है आप लोगों के स्ट्रीम पर अगर लैग करता है या फिर आपका स्ट्रीम जो है पिक्सलेट होता है, तो कैसे जो है आप लोग वो सॉल्व कर पाओगे। एंड गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करोगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और आपको किसी भी तरीके से चैनल को सपोर्ट करना है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में जो है आपको एक अमेज़न का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर गाइस आपको चाहिए जो मर्जी आप खरीदो, बनियान खरीदो, कच्चा खरीदो, कुछ भी खरीदो गाइस, उससे जो चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अभी जो है मेन मुद्दे की बात कि आप लोगों का अगर स्ट्रीम जो है लैग कर रहा है, या फिर आप लोगों का जो है स्ट्रीम में जो है पिक्सलेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोगों का अभी सेटिंग्स पे आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप लोग को ये, आप लोग सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग्स पे जाने के बाद इधर गाइज कोई भी जो है गाइज इधर छेड़छाड़ मत करना आप लोग, आउटपुट पर जाओ। आउटपुट पर जाने से पहले गाइज जो मेन है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। आप लोग एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद जो इधर आप लोगों को दिख रहा है ना जनरल में प्रोसेस प्रायोरिटी, प्रोसेस प्रायोरिटी में गाइज आप लोगों का अगर देखना है इधर क्या है, हाई है, अबव नॉर्मल है, नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल, आइडियल। अगर आप लोगों का जो है गाइज मतलब डिसेंट सा आप लोगों का सीपीयू है, ठीक है, मैं प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के पास अगर डिसेंट सा प्रोसेसर है, कोई मिड रेंज का, मिड रेंज का बोल तो कोई डिसेंट सा, ठीक है, तो आप लोग मतलब दे सकते हो नॉर्मल या फिर अबव नॉर्मल। गाइस इसका मतलब ये है कि मैं अपने स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर को सीपीयू कितना यूटिलाइज करने के लिए जो है अप्रोच करता हूँ, कितना परमिशन देता हूँ कि मेरा स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर जो है सीपीयू कितना यूटिलाइज करे, मेन बात ये है। तो आप लोगों का अगर स्ट्रीम लैग करता है गाइस, तो आप लोग जो है इधर हाई मत देना, इधर बिलो नॉर्मल दे देना या फिर नॉर्मल दे देना। अगर आप लोग आइडियल दे दोगे तो इधर जो है आप लोगों को गाइस पिक्सलेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। बिलो नॉर्मल या फिर नॉर्मल, या फिर नॉर्मल जो है गाइस मैं रेकमेंड करता हूँ कि नॉर्मल इधर सब लोगों के लिए जो है ये सूटेबल होगा, या फिर आप लोग जो है मतलब थोड़ा सा पुश करना चाहते हो, आप लोग मतलब आप लोगों का सीपीयू जो है कैपेबल है, तो गाइस एबव नॉर्मल दे देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आउटपुट में जाना गाइस। आउटपुट में जाने के बाद इधर जो है सिंपल सिंपल आ रखा होगा, आप लोगों को इधर सिंपल से जो है एडवांस में क्लिक करना होगा। एडवांस में क्लिक करने के बाद आप लोगों को इधर अगर आप लोग आपके पास स्पेसिफिक डेडिकेटेड जीपीयू है, होप आपके पास डेडिकेटेड जीपीयू होगा, बिकॉज आप लोग लाइव स्ट्रीम करने का सोच रहे हो, तो आप लोग गेम भी खेलोगे फिर स्ट्रीम भी करोगे, तो आप लोगों के पास गाइज सीपीयू मतलब जीपीयू होगा, मतलब ग्राफिक कार्ड आप लोगों के पास एक होगा, ठीक है। तो वो इधर एनवीडिया एनवेक करके आएगा, या फिर किसी को एनवीडिया एनवेक ब्रैकेट में जो न्यू दिख रहा है ना वो भी आएगा, ठीक है। तो दोनों में से जो कोई भी आ रहा है वो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद जो इधर रिस्केल आउटपुट, ठीक है, इधर गाइस कोई भी छेड़छाड़ मत करना, इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। उसके बाद जो है रेट कंट्रोल, ठीक है, रेट कंट्रोल में आप लोग गाइस CBR देना, ये सूटेबल रहेगा CBR, इससे जो है बिट रेट कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, जो बिट रेट आप लोग सिलेक्ट करोगे वो कॉन्स्टेंट रहता है। उसके बाद बिट रेट, ये बिट रेट का एक मसला है गाइस, मैं बिट रेट का मसला आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को जो है कितना बिट रेट देना चाहिए। अगर आप लोगों को गाइस पिक्सलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर स्ट्रीम जो है लैग कर रहा है, मतलब फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, तो आप लोगों को जो है बिट रेट कम देना पड़ेगा। अगर मतलब अभी आप लोग बोलोगे कि भाई मैं बिट रेट कितना दूँ, तो इसके लिए जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग क्रोम में जाना। क्रोम में जाने के बाद जो सिंपली जो है टाइप करना लाइव स्ट्रीम बिट रेट लिस्ट,
उसके बाद आप लोग का आ जाएगा आप लोग कितने रेजोल्यूशन पे जो है कितना बिटरेट देना है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन का वही चक्कर है, मैंने आप लोगों को जो बोला था इधर आउटपुट आप लोगों को कितना देना है, तो आउटपुट का भी चक्कर मैं इधर आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो में जाने के बाद देखना गाइस, इधर आउटपुट रेजोल्यूशन आप लोग इधर से जो है ट्विक करना जो भी करना है। ठीक है, ये आप लोगों का मॉनिटर का नेटिव रेजोल्यूशन है, उसके बाद नीचे ये आप लोग देख सकते हो आउटपुट रेजोल्यूशन, मतलब आप कौन से इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, मतलब 480p पे स्ट्रीम करना चाहते हो, 360p पे स्ट्रीम करना चाहते हो, 720p पे स्ट्रीम करना चाहते हो, 1080p पे स्ट्रीम करना चाहते हो, आप किस में आप लोग स्ट्रीम करना चाहते हो। ठीक है, तो गाइज मैं जो है 480p पे स्ट्रीम करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि मेरा जो है इंटरनेट बहुत ही स्लो है, इसलिए जो है गाइज मैं 480p पे स्ट्रीम करता हूँ। तो आप लोगों को भी गाइस चेक करना पड़ेगा कि आपका जो है आप लोगों के अपलोडिंग स्पीड के ऊपर डिपेंड करके ही आप लोगों को जो है इधर आउटपुट रेजोल्यूशन आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर आप लोगों का इंटरनेट स्लो है, तो स्लो है मानो कि आप लोगों का इंटरनेट जो है मेरी तरह ही है। ठीक है, तो मतलब मानो कि 500 से जो है 2000 के बीच है, तो आप लोगों को जो है ये देखो 480p यूट्यूब, मतलब ये देखो यूट्यूब हेल्प है, ये YouTube भी रेकमेंड कर रहा है कि जो है आप लोगों को 480p पे स्ट्रीम करना है। अगर आप लोगों का अपलोडिंग स्पीड 500 से 2000 के बीच में है, तो आप लोगों को जो है 480p पे स्ट्रीम करना है। ठीक है, अगर और अगर आपका जो है 400 से 1000 के बीच में है, तो आप लोगों का गाइस मानो कि आप लोगों का गाइस 1 Mbps का अपलोडिंग स्पीड है, तो आप लोग गाइस 480p पे स्ट्रीम करना, उसके ऊपर मत जाना। अगर आप लोग 720p पे जाओगे, तब आप लोगों का गाइस स्ट्रीम जो है पिक्सलेट होगा, वही दिक्कत है गाइस। इसलिए जो है मैक्सिमम लोगों का स्ट्रीम जो है स्ट्रीम में जो है पिक्सलेशन होता है, क्योंकि वो लोग जो है बिटरेट लो कर देते हैं, बिटरेट लो करके जो है हाई रेजोल्यूशन पे स्ट्रीम करते हैं। देखो गाइस मेरे को याद आ गया क्या आ गया रेजोल्यूशन कौन से रेजोल्यूशन पे स्ट्रीम करना चाहते हो, तो मेरे को याद आ गया। तो वही अगर आप लोग जो है रेजोल्यूशन हाई दे दोगे, रेजोल्यूशन हाई देने के बाद जो है अगर आप लोग बिटरेट लो दोगे, तो आपका जो है पिक्सलेट होगा स्ट्रीम। तो ये जो है YouTube ही रेकमेंड करता है कि आप लोग कौन से बिटरेट पे स्ट्रीम करना। ठीक है, तो आप लोग गाइज ये चेकआउट कर लेना, मैं इसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लेना गाइज। तो उसके हिसाब से गाइज आप लोग जो है आप लोगों का आउटपुट सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जो है ये इधर डाउन स्केल फिल्टर है, डाउन स्केल फिल्टर में आप लोग बाइक्यूबिक 16 ब्रैकेट में देखना कि जो है इधर 16 सैंपल ही हो, 32 सैंपल ना हो, और इसमें से कोई भी ना हो, बाइक्यूबिक ही हो और ब्रैकेट में 16 सैंपल हो। ये सब लोगों के लिए जो है सुइटेबल होता है। एंड कौन FPS वेलो FPS आप लोग कितने देना, ऑफकोर्स आप लोग अगर पूरे TV पे स्ट्रीम कर रहे हो, तो आप लोग 30 FPS से दोगे। उसके बाद इधर का काम खत्म हो गया हम लोगों का, अभी हम लोग चलते हैं आउटपुट पे। आउटपुट पे जाने के बाद आप लोगों को जो है इधर गाइस बिटरेट मैं जो बोल रहा था स्पीड का, आप लोगों के अपलोडिंग स्पीड के ऊपर जो है बिटरेट आप लोग सेट कर लेना। याद रखना गाइस डाउनलोडिंग स्पीड नहीं, अपलोडिंग स्पीड के ऊपर ही आप लोग ये सिलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद की फ्रेम इंटरवल इसको 0 ही रखना। उसके बाद प्रीसेट क्वालिटी जो है आप लोगों का अगर सिस्टम मतलब मानो कि स्ट्रीम जो है लैग कर रहा है, ठीक है, एनकोडिंग ओवरलोड आ रहा है, या फिर स्ट्रीम जो है लैग कर रहा है, तो तब आप लोग जो है इसको जो है थोड़ा सा लो कर देना। मैक्स क्वालिटी मानो कि आप लोग परफॉर्मेंस या फिर मैक्स परफॉर्मेंस आप लोग दे सकते हो, ठीक है, उससे नीचे का गाइस मत जाना। उसके बाद जो क्वालिटी जो है लो हो जाता है, आप उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप लोग जा भी सकते हो, चेक कर सकते हो, ट्विक करके आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद प्रोफाइल में जो है गाइस आप लोग हाई मत देना, मेन देना, ठीक है, मेन देने के बाद इधर जो है इसको जो है विजुअल ट्यूनिंग इधर इसको टिक कर लेना। टिक करने के बाद जो है मैक्स बी फ्रेम ये जो है डिफ़ॉल्ट 2 आता है, और कुछ मत करना, सिंपली जस्ट अप्लाई करके ओके दे देना। ओके दे देने के बाद जो है इधर जो है आप लोगों का ऑडियो का सेक्शन है, इधर भी गाइस कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। तो गाइस देखा कितना जो है सिंपल सेटिंग्स है OBS का,
आप लोग जो है मैंने जो बोला वो आप लोग ट्राई करके देखना। अगर आप लोगों का जो है इंटरनेट का मतलब पिक्सलेशन का इशू है तो आप लोग जो है आप लोग देखना कि आप लोगों का अपलोडिंग स्पीड कितना है, उसके ऊपर आप लोग जो है आउटपुट रेजोल्यूशन सेट करना, ठीक है। और उसके ऊपर जो है मैक्स आप लोग जितना आप लोगों का मानो कि स्पीड टेस्ट में आप लोगों का आ रहा है 1 Mbps, ठीक है, अपलोडिंग स्पीड, तो आप लोग 1 Mbps मत देना। आउटपुट में जो है ये बिट रेट है, इधर आप लोग 1000 मत देना, आप लोग 800 देना, ठीक है, मतलब हमेशा जो है 100-200 कम देना आप। तो गाइस बस इतना ही। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगे गाइस आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना। एंड गाइस मैं इस चैनल पर जो है लाइव स्ट्रीम भी शुरू करने वाला हूँ, जल्दी लाइव स्ट्रीम शुरू करने वाला हूँ। पहले मेरा एक चैनल हुआ करता था, मैंने गाइस 1K कंप्लीट कर लिया था, ये पूरा चैनल जो है गेमिंग के ऊपर था, लेकिन जो है गाइस मेरा चैनल हाईजैक हो गया। कैसे हाईजैक हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप लोग को वहाँ से चेकआउट कर लेना। एंड वीडियो में इधर तक आ ही गए हो मतलब आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है गाइस। एंड आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जो है गाइस सब्सक्राइब करना, और आप लोगों को जो कोई भी दिक्कत है गाइस आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना। गाइस 100% मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने का, या फिर आप लोग मेरे को इंस्टा पे DM कर देना, ठीक है, जो कोई भी दिक्कत हो गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड पीस आउट।